अवेयरनेस प्रोग्राम COVID-19 ये जितना कोविड प्रेशर इतना जल्दी कैसे बना दिया हेल्थ साइंस का आसान मेरे बाबू 120 के रिस्क का बना लिया। हाँ ये अच्छा काम कर एजुकेशन के हमारे बी एड में पूरी बनी हुई है हमारी। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर बी एड स्पेशल में बनी हुई है। सेकेंड सेमेस्टर से एक आध नहीं बनी। आप लोगों ने हमारे यहाँ पीजी पैक होता है, पीजी वाले यहाँ पूरा ऊपर वाला ये मतलब कैसे हाउ कैन यू मेक आउट है ना हो तो वो बाई चांस जो छुट्टी पे भी होगा तो दूसरा कर देगा काम ये बड़ा काम है। डिफेंस एजुकेशन में जो दोनों में तो कहते हैं उनकी डिग्री मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये इनका बहुत बड़ा काम है। तो कितना 8-7 कॉपी किताब रहता होगा ये कितने का ये कौन से स्टूडेंट को है इसमें फर्स्ट ईयर सेंटर कोड रहता है, प्रोग्राम कोड रहता है, इनरोलमेंट नंबर रहता है, नाम फादर नेम पता पिन कोड डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई कब किया है ये मोबाइल नंबर प्रदेश और मेडिकल जैसे पूरी एक साल की मेहनत इसमें से तीन पेपर होते हैं चल रहा है अभी। हाँ अभी तो एडमिशन सब अभी हमको हमारे पेपर अभी ऑन ग्राउंड होते हैं जिसका भी पेपर हमारा इंग्लिश में इंग्लिश में नहीं बना तो हम इग्नू से मटेरियल का उपयोग करते हैं। सिलेबस तुम्हारा इग्नू का सेम है जी सर सिलेबस वो इग्नू से सिलेबस करते हैं सर तो उसका सिलेबस भी सिखवाते भी हैं
अगर वो कंटिन्यू होता तो उसको डिस्कंटिन्यू कर देते। ये कौन सा बीएससी का है सर? सब टोटल बीएससी साइंस वालों का है। हां बीए सबसे ज्यादा है, एमए सबसे। हां वो तो प्लस टू साइंस जिसने किया है कहीं लग गया और या फिर वो नहीं कर पा रहा है, ट्रेडिशनल हो जाते हैं वो। सैंडविच वगैरह नहीं रख सकते ऐसा में आप लोगों का एक तरफ जहाँ प्रिंटिंग मटेरियल ना थोड़ा आइसोलेशन में है कैंटीन, कैंटीन सब भी स्टूडेंट्स का भी है और उसमें स्टूडेंट के अलावा एक फैकल्टी का अलग से भी होना चाहिए। सिंगल कैंटीन तो चलो मान लिया कि कवरेज ऑफ स्टूडेंट भी है, फैकल्टी के लिए हम गेस्ट हाउस फैकल्टी सेम टू बेच क्यों उधर है आपके उधर कैंटीन जहाँ हम जहाँ से हम आए हैं अभी एलुमनाई के उसमें जो टीम है उस बिल्डिंग में, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना उस बिल्डिंग में तो मतलब उसी में तो टीचर्स हैं ज़्यादा, आप लोग बैठते तो उधर ही है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट दैट व्हाट अबाउट दिस एसक्यू बी ये आपका घर का है और वहाँ से आपका डिस्टेंस भी है। हाँ सर डिस्टेंस है, इसी बारे में थोड़ा सा टहल भी लेते हैं ना। हम तो उस दिन लिए वैसे हम नहीं लेते मैडम ऐसा प्रोटोकॉल बोला सर क्या प्रकाश सर हमारी है और उधर बिजी है जो कल वो मैनेज कर रहे थे जी 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 वही है ज्ञान प्रकाश जी जी मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर अब जनवरी से हमारा जनवरी से एडमिशन जनवरी से जुलाई से दिसंबर तक पूरा दो सेमेस्टर जनवरी और जुलाई नहीं जुलाई से का जो एडमिशन शुरू होता है कितना लेकिन अभी क्या है यूजीसी डीन ने बोला है कि इस एडमिशन इस डेट के बाद में बंद कर देंगे एंड यू हैव टू रिपोर्ट इट टू उसी डाटा हां क्या डिसीजन किया है वो इसी ने है ना कि भाई द मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज यस सर और वो सब चीज वो नॉर्म्स के हिसाब से ये स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए बताया कल जो था वो जनरल मेडिसिन तो इस तरह से हम बनाए कि हर एक स्पेशलिटी जो है हफ्ते में एक दिन मिलती रहे। जब यू आर हैविंग दिस विजिटिंग डॉक्टर्स या अब स्टाफ है या मैं नहीं स्टाफ अच्छा इनके अब कितने घंटे रहते हो इधर 11 से एक एक दो घंटे 2:30 अराउंड यू कम वंस इन ए वीक यस अब मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे एंड वे मैं जूनियर
डेंटल का जैसे मान लो है तो आपका वो कहाँ है सारा चेयर वो सब? दिस इज ओपीडी सर। ओपीडी प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर कोई प्रोसीजर करना है वो तो दिस चैम्बर इज फॉर कंसल्टेंसी ऑफ राइट ओपीडी इसलिए हेल्प चाहिए सर। आपका एनुअल है कि बता देते हैं आप चीज मैडम मीडिया सेंटर तो लाइब्रेरी में था अब जनवरी में होगा 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी के बाद जब सुंदर आ जाएंगे क्या बोलते हो उसको अरे वो सर मैं नीचे बैठता हूँ सर्वर सर ऊपर कुंभ का मेला कमा तो गया तुम्हारा कुंभ से हमारे पास सर वी हैव टू इंटरनेट लाइन वन इज BSNL MKN व्हिच इज कम फ्रॉम द MKN प्रोजेक्ट एनएमई आईसीटी प्रोजेक्ट व्हिच इज वन UPS लाइन एंड अनदर इज द रेल वायर 200 kV एंड वी हैव असिस्ट ऑल द डिपार्टमेंट इन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय टेक्निकली व्हिच इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज वेल एज प्रेजेंटेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स व्हिच इज यूज इन आवर यूनिवर्सिटी and we have one ERP UMS which is University Management System software which include all the 12 modules which assist our university and all the consider all the procedure from admission to examination which is developed by the UPDESCO which is the state government system development processing limited that is outsourced but all the modules monitored by ORAN and some of the modules is functional by ORAN and Wi-Fi campus fully yes fully yes fully yes fully yesterday आवाज़ तो लोग किसी ने कहा कि हम कर देंगे तो बाहर के बच्चे आ जाते हैं नहीं नहीं fully Wi-Fi अभी भी चलेंगे तो चलेंगे कई बार वो वहाँ होता बोलेगी जो वही बोले की वहाँ नहीं कनेक्टिविटी हो रहा आदमी नहीं आ रहा इंजीनियर लेट आएगा वहीं है ऊपर रजिस्ट्रार साहब के ऊपर सब कुछ यहीं से ऑपरेट होता है नहीं, वो तो आप पूछे होंगे सर कि क्या सबको वाईफाई उपयोग कर लेता होगा तो वो इस बिहार में बोल रहा हूँ सबको वो स्टूडेंट को तो पासवर्ड होता है जी सर हाँ गेट वी नो जी जी चलो
पर हमारे तो बाहर के बच्चे भी शुरू में वो था कुरुक्षेत्र में वो आके बैठ के डाउनलोड कर दिया। सर एक बार हम लोगों ने चालू किया था भीड़ लग गई थी, इसको प्राइवेट जी सर भीड़ लग गई थी। इधर बनाते जिनकी टाइम लिमिट होती है, वो तो हाफ एन आवर तक उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट। अच्छा, और वैसे अच्छी होती है ना सर? हां, और घर में उतनी टाइम बैंडविड्थ होती नहीं है, तो इसलिए बच्चे नहीं चले जाते भाई। आप आपके जो भी बाहर से फैकल्टी या इधर आपने इंस्टेंट छोटा लगा दिया वीआईपी, तो तुमको वैसे ही पोस्ट नहीं देते हो तो मेला ही हो जाए। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उसका आ गया या पॉलिटिक्स क्यों वो इंस्टेंट इधर छोटा लगा दिया, ये तो किचन के लिए ही काम आएगा नेक्स्ट टाइम सर बनाओ। तो हमने बोल रहा हो जाएगा ऊपर वालों में यानी ये अभी स्कूल कोई बात है तो इंस्पेक्शन इज सेपरेटली, मतलब क्वेश्चन इज विजिबिलिटी ऑफ दिस। यस सर, आपसे भी चार्ज है प्रियर को कम नहीं, मैं खुद भी आता हूं, मैं खुद भी आता हूं। बताइए सर, बाकी आउटसाइडर है वो काफी दूर दूर रहते, कोई 10 नहीं नहीं, आप लोग फैकल्टी के क्वार्टर्स होंगे ना? हां सर, ये अपने पर्सनल सर। कितनी दूर है? सर अभी पिछले साल सबसे रहा था हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं वो एक एक जो टीवी के जो बच्चे हैं आ गया है, ये आज आया ना सर, क्योंकि पहले एक राउंड खिलौना हर एक को टच कर रहा था, आज ही आया। पहले आता तो दो खिलौना खेल लिया नहीं खेले वो जो आता है रोज स्कूल गया, अभी आएंगे अभी आएंगे स्कूल से, माँ बाप ड्यूटी करके जाएंगे तो अपना बच्चा सही है। कितने बजे आते हैं इधर? 1 बजे वो आते हैं, कल तो खेल रहे थे। कितने आते हैं? कितने तीन बच्चे, तीन है, तीन एक लड़की दो लड़का आते हैं स्कूल गए हैं, 1 बजे छूटेंगे तो यहाँ रहेंगे। इनका बाथरूम का है बच्चों? अच्छा, ये झूला इधर टांग देते हैं, खेलते हैं, झूलते हैं, साफ सुथरा है बाथरूम भी, तो मेरे से ही नहीं रहा। देखिए थोड़ा धीरे, तुम्हारा मुझको कह रहा कोई भी जो टेक्नीशियन है बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अब तुम्हारा साबुन भी आज का ही रखा हुआ है और वो भी ये है, इसलिए मैं मानता हूँ कि बच्चे रेगुलर नहीं आते। नहीं बच्चा आज अरे है तो ये तो
बोला चालाक बच्चा छोटा बच्चे तो बड़े सेंसिटिव होते हैं स्कूल में. यदि टॉयलेट यदि वॉशरूम साफ नहीं है तो बच्चों का ये है दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव. अब ये देखो और ये पेट उतर गया ना तो है उनको बोलना भैया ये तो साफ हो ना. ये देखो वहाँ लीकेज है पानी का नीचे उसमें आपका है ना के उधर पानी लीकेज है. ये चीज़ें होती हैं उनका छोटे बच्चों के लिए फैसिलिटी वाइज. अच्छा ये डे केयर सेंटर. अच्छा ये आग ही लगाया है ठीक है. ये मैं एक इंस्पेक्शन में गया नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ मैं एक इंस्पेक्शन में गया दूसरा अंचल तो उन्होंने लिख दिया डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन तो मैंने यहाँ से उठा के ये देखो आज का ही चिपका हुआ है. अरे आप तो बहुत पुराने हैं बूढ़े हो गए 32 साल के रिटायर हो गए गुरु चढ़ा के ये मत कहो तुम जो चीज़ है वो है इतना साफ सुथरा चाहिए पुराना नोटिस हो सकता ऐसे नहीं तो वो मैंने जब यहाँ से जब ये किया ना तो नीचे दिखा डीएवी पब्लिक स्कूल और ये मैं और प्रोफेसर संगीता थी द मोमेंट आई सा आई टुक इट आउट. पता नहीं इसके नीचे क्या लिखा है. सबके ये सर रिकॉर्ड्स है. बच्चा सीधे कॉल करता है जो प्रॉब्लम बताता है ये सब भरे हुए. एक सिस्टम तो सर ये है वेबसाइट से जब बच्चा देता है तो वो हम सारे जो जिस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट को निर्देशक सेल से सर ये भेजते हैं ईमेल यस वेबसाइट से तो ये सब उसी के सर. और एक ये जो करंट के ईमेल से सर करंट वाला दिखा दीजिए सर. ये भी है मॉम दर कैरियर ईमेल का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं सर. मेरा अब की बार बी ए सेकेंड ईयर जुलाई सेशन करके है सर. अभी तक हमारी किताब नहीं आई यही है सर. बस ये आई
अभी तक असाइनमेंट बुक नहीं मिली है जी जी ये सब असाइनमेंट बुक मतलब जैसे लैब पेपर यस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर चाहिए हां उसमें वो लिखे वो हाँ तुमको बताते हैं कि वेबसाइट पर यहाँ पर डाउनलोड से डाउनलोड करके वेबसाइट के बैक पेपर के बैक पेपर तो आप वेबसाइट में डालते हैं सब वेबसाइट सब है हम यहाँ से आते हैं हमारा घर ना बचा ले उतना अवेल नहीं है वो तो सर वेबसाइट में डाल देना चाहिए बैक पेपर तो कुछ और क्वेश्चन पेपर मैंने कहा पास डालना लेकिन छोटे नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ कुछ चाहिए अच्छा जयपुर से पढ़ते हैं सर बी एड सब आ जाते हैं सर इसे दिल्ली कॉलेज में एडमिशन चाहिए था लेकिन सर मुझे मैं पहले डायरेक्ट हुआ उसी पर डायरेक्ट तुरंत सर उनको मेल कराया हमने आंसर जो था सर तुरंत कराया और सर गवर्नमेंट ने भी एक बनाया है IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिटेंशन सिस्टम वो ऑनलाइन ही यूनिवर्सिटी को आता है और वो एक पोर्टल है पूरा जिसके लिए यूजीसी से कहीं कुछ आता है रिप्लाई मतलब यूजीसी जाके क्या है यूजीसी क्या डायरेक्टली पुट टू द ग्रेजुएट यूजीसी यूजीसी विल रीडायरेक्टेड टू द कंसर्न यूनिवर्सिटी जी 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 सर अभी आप पूछा वो भी अभी करंट में करंट में ही आया यूजीसी वहाँ से वो यहाँ को कर देते हैं पूरा फॉरवर्ड स्टूडेंट्स का तो इश्यूज रहता है अभी एक यूजीसी का ही आया है करंट यूजीसी ने पूछा है कि आपके यहाँ कौन क्या कर रहा है उसका हमको डिटेल दीजिए अब वो चूंकि सर अथॉरिटी सूचना तो थ्रू रजिस्ट्रार जाएगी इसलिए हमने रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार साहब से की थी कि आप वांछित सूचना भेजें आपको 47 मीटिंग है जी 47 के बैच से लगे सब पर ग्रीवेंस का किया है डीसी पटेल के वो हां लेकिन सर वो हमारा आई नहीं ये आपने दिया क्या नहीं वो आपका नोडल ऑफिसर सचिव ऑफिस से दिया है आप चूंकि नए इंचार्ज आए तो उनका डिटेल भेजा जा रहा है उनके मेल पर आएंगे तब हम सब समाधान करेंगे दो परीक्षा जिस दिन छुट्टी पे होगा तो सर यहाँ पूरा सेल है वो रिकॉर्ड नहीं है एक हैंडराइटिंग तो ज्यादातर में एक ही है ना हाँ तो वो सर छुट्टी पे अगर जाएगा तो यहाँ दूसरे को चार्ज दे जाएगा तो लिखेगा तो दूसरा फिर हैंडराइटिंग में मेरी तरह से सर हाँ आना चाहिए सर तो मैं तो वो चाहिए सर एक दिन क्रॉस चेक और तो कल देख ही रहता है ना ऑल द मेंबर और सारे लोग तो नहीं बैठे हम लोग अभी क्या क्या सारे पीछे चेयर कर आप लोग इधर के साथ
जुलाई से प्रोफेसर आनंद त्यागी इज वीसी ऑफ काशी नगर जी जी फर्स्ट टाइम ही वाज इन पंजाब मंथ ऑर्गेनाइज है आइए वो क्लास में वगैरह देख लीजिए ठीक है सो आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ जी हाँ देर स्टॉफ किया लाइब्रेरी स्टोर रूम सो स्टूडेंट सब कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करेगा जी वहाँ करके हाँ पूरा फॉर्म वगैरह आप दे रहे हैं जी लिखा है सर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वही स्टडी सेंटर कॉन्टेक्ट क्लास एंड बहुत सर एक ऊपर काउंसलिंग आ रहा है सेमिनार क्या काउंसलिंग क्लासेस बच्चों की तो ये को इन्होंने दिया शिक्षण और Thank you.
सर्विस आइए प्लीज। गाड़ी बोलो भैया। चलिए चलिए सर को, सर किस गाड़ी में? हाँ जी मैम कैमरा मैन।